हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस कैसे हमने मेटामास्क वॉलेट को सैंडबॉक्स के साथ में कनेक्ट किया, साइन इन किया और उसमें मनी ऐड की तरीका देखा और कैसे हम उसमें लैंड बाय कर सकते थे और कैसे उसमें एवेटार बना सकते थे। इस बार हम देखेंगे कि स्नूप डॉग का एवेटार कैसे परचेज कर सकते हैं, स्नूप डॉग के जो मेंशन है उनका, उसके आसपास में लैंड कैसे बाय हो सकता है और कौन सा सोर्स है उसके लिए। और जैसे आप और हम सब जानते हैं कि स्नूप डॉग एक बहुत ही बड़ा नाम है और उनको इसके सैंडबॉक्स के साथ में टाई अप किए काफ़ी टाइम हो गया है। वो इन तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सैंडबॉक्स ओपन करेंगे। सैंडबॉक्स ओपन करने के बाद में तो हम सैंडबॉक्स के अंदर आ गए हैं और देखिए यहाँ पे मेरा वॉलेट ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब हम स्नूप डॉग का एवेटार कैसे बनता है और ये है कहाँ मिलता है और कैसे हम इसको परचेज कर सकते हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ से क्रिएट एवेटार करेंगे तो इनका एवेटार के लिए, ये पर्सनल एवेटार के लिए भी जाता है और स्नूप डॉग के लिए भी जाता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा। ये देखिए इसमें स्नूप डॉग के काफ़ी सारे अवतार हैं। इन एवेटार्स को यूनिक एवेटार स्नूप वर्स के अंदर बोला गया है। स्नूप वर्स है बेसिकली जो स्नूप डॉग के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कितने टाइप के, ये एक वीडियो है कितने टाइप के उनके एवेटार्स हैं। ये देखिए, ये देखिए और 10,000 एवेटार से ऊपर हैं। आप यहाँ से ओपन सीज पे क्लिक करेंगे तो आप एवेटार्स परचेज कर सकते हैं। ये देखिए इनका खुद का ये ओपन सी का अकाउंट है, अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस पे हैं और भी बहुत सारे अवतार्स हैं इनके। तो आप इसमें जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, ये वही आपसे मेटामास्क अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए कहेगा। आप यहाँ से क्लिक करके मेटामास्क अकाउंट अपना कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरा मेरा अकाउंट ऑलरेडी है इसलिए मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ये इसके साथ में कनेक्ट हो गया। ये देखिए एसेट साइनिंग, यहाँ पे एसेट साइनिंग करते ही ये ले लेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये डॉगी 5.25 वाले पे क्लिक किया तो यहाँ से बाय नाउ का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही इस बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके वॉलेट के ऊपर और आप इस एवेटार को परचेज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस स्नूप डॉग का मेंशन है जिसके थोड़े बहुत हाइलाइट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। बाकी प्रॉपर मेंशन हम गेम जब खेलते हैं, जैसे पिछला सीजन अल्फा सीजन 2 के अंदर जब गेम खेला था तो इसमें एक टास्क था स्नूप डॉग के हाउस टूर का, या फिर उसके अंदर जो जो उसमें क्वेस्ट थे उनको कंप्लीट करना था, तो ये एक टास्क था उसके अंदर। अब जो नया सीजन आएगा अल्फा सीजन 3, उसके अंदर भी ऐसा एक टास्क होगा जिसमें स्नूप डॉग का होगा, क्वेस्ट होंगे और स्नूप डॉग के मेंशन के अंदर का टूर होगा। आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप से
हर चीज़ ये देखिए, आप अगर स्नूप डॉग के प्राइवेट पास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ओपन सीज पे जाना पड़ेगा। आप जब स्नूप डॉग का कोई कॉन्सर्ट होता है या फिर उस उनकी एनएफटीज बिकती है या कुछ भी ऐसा होता है, तो ओपन सीज के ऊपर उनके पासेज या फिर ये जो कलेक्टिबल्स है ये सारे अवेलेबल होते हैं। अब आप अर्ली पास भी एक्सेस कर सकते हैं और प्राइवेट पास भी एक्सेस कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको बस मार्केट प्लेस पे जाओ या फिर ओपन सीज पे जाओ और आपको उसको परचेज करना है। अब ये सारी वैल्यू इथेरियम में परचेज हुई की जाती है। आप अगर चाहे लैंड बाय करेंगे या फिर आप स्नूप डॉग का पास कोई अगर परचेज करेंगे या कोई एनएफटी परचेज कर रहे हैं जो स्नूप डॉग से रिलेटेड है, और कोई जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर आपने ये इनका जो एवेटार है डॉगी 5125, और भी हैं बहुत सारे एवेटार्स हैं, अगर आप उनमें से कोई भी एक परचेज करेंगे तो फिर ये सारा का सारा जो है ये इथेरियम में परचेजिंग होती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये ईथ लिखा हुआ है, ईथ मीन्स इथेरियम, इथेरियम, और इस जो एवेटार की कॉस्ट है वो है 0.204 इथेरियम। मीन्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फा सीजन 3 आने वाला है, तो अल्फा सीजन 3 के अंदर भी स्नूप डॉग के मेंशन का एक रिलेटेड टास्क होगा या गेम होगा, तो उसको प्ले करेंगे, तो उसके लिए उनका हाउस टूर होगा, तो उसका वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे, तो उसमें आपको मैं उनके पूरे हाउस टूर दूंगा कि उनका जो मेंशन है, उनका विला है, उन्होंने अभी रिक्रिएट किया है उसको वापस, तो उसके लिए भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। तो अब जैसा आप देख सकते हैं कि इसके साथ में कितने सारे ब्रांड्स एसोसिएट हैं, जैसे स्नूप डॉग तो है ही, द वॉकिंग डेड, एडिडास, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, और भी है अटारी, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और ये सब वेल नोन ब्रांड्स हैं। तो ऐसे आप ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करके और अपने फेवरेट स्नूप डॉग के एवेटार्स और लैंड और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।